ये बात मैं विचार की नहीं कह रहा हूँ। दुनिया में जो बड़े बड़े धनी राजा महाराजा विद्वान तपस्वी मिलते हैं उनके जीवन के भीतर घुस के मैं कह रहा हूँ, बहुत धन जिनके पास है वो सुखी नहीं है, बहुत विद्या जिनके पास है वो सुखी है, बहुत तपस्या जिनके पास है वो सुखी है, एक अंधकार में ही उनका व्यवहार चल रहा है। जवानी जमा करते जल जा असूत्रता स्त्रियों की वृत्ति में लगे हुए हैं और उसके शासन चरण थी ये करो ये मत करो ये झगड़े में खड़े हुए। तो जीव जब दुखी होता है तब उसको अपने दुख निवारण की युक्ति की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा ये दुख किसी तरह नहीं है, क्योंकि दुख वो चीज है जो द्वेष का अंतिम विषय है। अन्य द्वेषाधीन द्वेष विषय तो है दुख, माने हम भी होते हैं तो किसी से द्वेष करने के लिए दुखी नहीं होते हैं, जिससे द्वेष है उससे दुखी होते हैं और फिर वो ये नहीं कि किसके लिए सुखी होते हो, सुखी होते हैं वो अन्य इच्छा अधीन इच्छा विषय है दुख, अन्य इच्छा अधीन इच्छा विषय को दुख करते हो, सुख से फिर किसी की इच्छा नहीं करते। रुपया क्यों चाहते हो पत्नी के लिए, पत्नी के लिए क्यों चाहते हो जेवर बनाने के लिए, जेवर बनाना क्यों चाहते हो कैसे वो प्रसन्न होगी, उसकी प्रसन्नता क्यों चाहते हो तो उसकी प्रसन्नता से हम प्रसन्न हो, तो तुम क्यों प्रसन्न होना चाहते हो इसका कोई उत्तर नहीं, हम क्यों सुखी होना चाहते हैं इसका कोई जवाब नहीं। सुख की परिसमाप्ति आत्मा में आकर सुख मध्यात्मण रूप, अच्छा हमें चाहिए सुख। एक लोगों ने कहा कि हमको जिन जिन विषयों से सुख होना है उनको हम बटोरेंगे। हमारे पास बहुत सी स्त्रियां अभी महाराज वर्तमान में जो हैदराबाद का निवास था उसके आरंभ में 150 बेगम है, हाल हाल में उन लोगों के जीवन काम। एक दिन उसने देखा सड़क पर तो बहुत सुंदरी लड़की जा रही है, मोटा को अरे आओ हमारे होटल में बैठ गए। लड़की बोली महाराज मैं आपकी कबूतरी, ये है विषय जो लोग विषय उनकी ये तो कोई विषय भोग बटोर रहे हैं सुखी होने के लिए, कोई संग्रह करके अभिमान बढ़ा रहे हैं विद्या का अभिमान धन का अभिमान हम इसे सुखी, कोई मनोराज्य करते हैं कि आज नहीं तो कल सुख होगा ही होगा, संग्रह का सुख भोग का सुख मनोराज्य का सुख। कई लोगों की आदत पड़ गई है महाराज 2000 दंड बैठक का करे तो उनके शरीर में दर्द होने लगता है, अब वो आदत पूरी करने के लिए उन्हें दंड बैठक करना पड़ता है। जिनको सूर्य नमस्कार की आदत पड़ जाती है वो तो यदि एक दिन दो दिन न करें तो उनका शरीर कड़कड़ाने लगता है फटने लगता है। तो असल में हमारे जीवन में जो दुख है उसको दूर करने का ये उपाय है, तब इसका उपाय क्या है इसका उपाय जानते हैं संत। संत जो मार्ग बताते हैं वही मार्ग मनुष्य के लिए सुख देने वाला है और दुख
संतों का भी विभाग कर रहे हैं। एक संत ये कहेंगे कि जो अवैध भोग तुम करते हो धर्म के विरुद्ध, जो तुम्हारे पास बेईमानी का पैसा है वो पचेगा नहीं भुगतेगा, जो बेईमानी का भोग है, परस्त्री पर बुरी नजर है, परस्त्री का उपभोग है, वो करके तुम कभी सुखी नहीं होंगे। ये अभिमान तुम्हें ऐसा कांटा लगाएगा गिर पड़ोगे। आदत कोई मत डालो अपने जीवन में, नहीं तो दुखी हो जाओगे। तो हमारा जीवन धर्म के अनुकूल हो। धर्म माने ये मोटर गाड़ी जो है, ये बैल गाड़ी जो है, संघात अनेक चीजों से बना हुआ शरीर, जोड़ जोड़ के कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, धान मसी में खुलवा जोड़ा, ये जो जोड़ा हुआ खुलवा है इसमें मैं मेरा करके हम बैठे हुए हैं। किसी का किसी चीज के साथ कोई संबंध नहीं है। जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप दादा भी कहते थे मेरी है, दुश्मन भी कहता था, जिससे खरीदी है वो भी कहता था, लेकिन तुम इसको मेरी मानते हो। ये स्त्री पुरुष किसी का नहीं है, लेकिन इसको मेरा मानते हो। बिल्कुल असंबंध में संबंध की कल्पना हो गई है। एक क्षण के साथ दूसरे क्षण का संबंध नहीं है, कारण भाव नहीं है क्षण का कारण के साथ, एक कण का दूसरे कण के साथ कार्य कारण का संबंध नहीं है, पिता पुत्र का कार्य कारण का संबंध नहीं है, पंचभूतों का भी परस्पर एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। पंचभूतों में जो शरीर कल्पित है इनका भी परस्पर किसी का किसी के साथ संबंध नहीं है। पंचभूत को अंतिम कार्य है, उसमें जो स्त्री पुत्र पशु पक्षी आदि के शरीर है ये तो कार्य ही नहीं है, कार्याभास। क्योंकि सांख की रीति से ये मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर कार्य नहीं, कार्य जो पंच महाभूत है उनमें कल्पित कार्याभास। इतनी छोटी जगह में कहते महाराज कि संतों की जो बात है उस पर ध्यान नहीं दिया। यह संतो न वासन्ति सतोवा न अनुवर्तते यथैवं विपरीताते बुद्धि आचार वर्जिता। क्या तुम्हारे गांव में कोई संत नहीं रहता, अथवा तुम संत के कहे अनुसार नहीं चलते? नहीं तो ऐसी आचार रहित विपरीत बुद्धि तुमको न होती कि ऐसी बुरी बुरी जगह में फंसते और दिन भर रोते रहते। संत आए, ऋषि आए, महात्मा आए, उन्होंने शास्त्रों का प्रणयन किया और उन्होंने बताया कि विपद विस्मरण विष्णु हो संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति का नाम विपत्ति नहीं है, संपत्ति का नाम संपत्ति नहीं है, भगवान को भूल जाना ऐसी सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को स्मरण करना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। परंतु संतों की बात नहीं मानी, शास्त्रों की बात नहीं मानी। सब इस जगत के जो करता है करता है हरता है अंतर्यामी है सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है परम दयालु है, जो हमारे दिल के दुख को जानते हैं सर्वज्ञ है। ये हमारा अंश, ये हमारा प्यारा सन्नासा शिशिर, ये हमारा ही अंग, ये हमारा ही शरीर, अरे इसके रूप में हम ही, ये दुख न होने पर भी अपने को अज्ञान वक्ति मान रहा है, जड़ता न होने पर भी अपने को जड़ मान रहा है, मृत्यु न होने पर भी अपने को जन्म मरण वाला मान रहा है। शास्त्र की बात सुनता नहीं,
तो ऋषियों ने महाराज अपने भक्ति भाव की उपाधि से भक्ति भाव के प्रभाव से वो गंगा मैया की भक्ति की उपाधि से यशोदा मैया की भक्ति की उपाधि से भगवान को उनके हृदय में उतारा। जिनके हृदय में निर्गुण उतर आया स्मृति माता है तत्वमस्यादि महावाक्य उसकी शिक्षा है। जैसे माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है, जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, वैसे वेद भगवान ने स्मृति माता ने शिक्षा दी। बहुत से लोग ऐसे अधिकांश ऐसे जिनको माना जी निर्गुण की जो प्रमा है माने आत्मा और ब्रह्म की एकता की अद्वितीयता की जो प्रमा है वो ग्रहण नहीं, उसका अग्रहण और अग्रहण होने से अन्यथा ग्रहण हो गया। परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझा नहीं और उसको समझने लगे संसार जगत गच्छति थी जगत जो बह रहा है दुनिया उसको कहते हैं जिसको कोई पकड़ अनादिकाल से आज तक जिसके सरकने को कोई रोक नहीं सका संसरणम संसारा संसरस्ति अस्मिन्नेति संसारा संसरणम संसारा अधिकरण में भी संसार और गच्छति थी जगत ये गमन थी। लोगों ने चाहा कि हम अपने पैसे को पकड़ के रखेंगे अपने बाप बेटे को पकड़ के रखेंगे अपने घर द्वार को पकड़ के रखेंगे लेकिन किसी को पकड़ रहा नहीं। ये भागने वाला संसार आज न्याय भूतानी गच्छन दी ये दमारे शेषा अभिर गच्छन दी किमास गच्छन पर दुनिया भागती जा रही है सरकती जा रही है वे बाल नहीं रहे वो चिकना चमड़ा नहीं रहा वे दांत नहीं रहे वो आंख नहीं रही वो गंगा जल नहीं रहा वह बह रहा कल वाला आज नहीं वो दीपक नहीं रहा वो बिजली जो है जमीन पर जमीन खाती जा रही है इसका नाम है संसार। ऋषियों ने देखा कि जीव संसार को पकड़ के इतना बैठ गया है और निर्गुण परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होता। तब उन्होंने परमात्मा को सगुण अपने ध्यान से श्रद्धा श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगा अवैधी अपनी श्रद्धा से अपने भक्ति से अपने ध्यान से उन्होंने निर्गुण भगवान से कहा और हमारे लिए नहीं होता है आओ तुम सगुण होकर तुमको करना पड़ेगा। महाराज उन्होंने अपनी श्रद्धा से भक्ति से ध्यान से यशोदा मैया बनाई देवती मैया बनाई तो सद्या मैया बनाई ये सब श्रवण है वो जब शांति ददाती इति यशोदा भगवान के जस का काम करो श्रवण करो तुम्हारे हृदय में यशोदा आ जाएगी तुम्हारे लिए भगवान का एक नया अवतार हो जाएगा। कीर्ति राधा रानी का अवतार भगवान की कीर्ति का गान करो राधा रानी आ जाएगी राधा रानी और कीर्ति नंदिनी राधा यशोदा नंदन श्री राधा श्री कृष्ण इन दोनों का विवाह हो जाएगा अनुग्रह और श्रद्धा मूर्तिमती हो जाएगी और तुम्हारे हृदय में भक्ति नृत्य करने लगे। माँ जो है जिसको लोग माँ कहते हैं वो प्रकृष्ट माँ बन के प्रमा बन के तुम्हारे हृदय में आ जाएगी और भगवान का दर्शन होने लगेगा। अद्वैत ब्रह्म की दृष्टि से ब्रह्म की ओर से अवतार का चिंतन करोगे तो समझ में नहीं आवेगा बिल्कुल माया का अविद्या अविद्या आरोपित माया अविद्या के कारण जो माया कल्पित की गई है
उसको जोड़ना पड़ेगा अवतार के लिए, और उधर से सोचोगे तो हमारी जरूरत है कि हमको कोई ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर हमारा सहायक हो, जो हमारे जीवन में आके हमको दुख से छुड़ावे, हमको जड़ता से छुड़ावे, हमको जन्म मरण से छुड़ावे, अद्वैत की दृष्टि से अवतरण परब्रह्म परमात्मा का अवतरण अवतरण शुद्ध हृदय में अवतरण यशोदा चंद्र के द्वारा अवतरण देवकी देव के द्वारा अवतरण कौशल्या दशरथ के द्वारा अवतरण, ये अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से सर्व परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जहां भाव भक्ति अपनी पूरी हो जाएगी वही भगवान का अवतार हो जाएगा। नित्य अवतार है भगवान का, नैमित्तिक अवतार है भगवान का, गुणमय अवतार ब्रह्मा शिव आदि, ये प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। नारायण के एक एक रोमकूप में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उन प्रत्येक ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मा और एक विष्णु और एक शिव होते हैं, और वो नारायण नारायण निराकार परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी के उपासनार्थ रूप है, और वो अंतर्यामी नारायण जो है वो नियमन की उपाधि से परब्रह्म परमात्मा है। नित्य शुद्ध शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में अवतार की ही भूमिका है, और जहाँ हम बैठे हैं नाम रूप के गड्ढे में गिरे हुए, अपने नाम का कितना मोह है, अपने बाप का कितना मोह है, अपने गांव का राष्ट्र का परिवार का कितना मोह है, अपने धन दौलत का कितना मोह है, इस मोह के गड्ढे में हम गिरे हुए नाम रूप के चक्कर में फंसे हुए हैं। जिस गड्ढे में हम गिरते हैं उसी का सहारा नहीं कर सकते। जब ईश्वर ने देखा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम दयालु जाता है हमारे दिल की व्यथा दूर करने की उसमें शक्ति है, और इतना दयालु है कि दूर किए बिना रह सकता नहीं, तो वही प्रभु अवतार लेकर के आता है भौतिक रूप में रावण आदि राक्षसों का वध करता है, आदिदैविक रूप से वो लोगों के द्वारा पूजित होता है, हास्य होता है, और आध्यात्मिक रूप से वो ज्ञान शक्ति आदि के रूप में रहता है, और तीनों से विलक्षण उसका रूप है। आध्यात्म को यम सोसा सोसा योगा दैविका जस तत्क्रोभ है रूप से न पुरुषो यादि भौतिका एक वेग तरा भावे जदा नोपल भाव है कृतयन तत्र जो वेद स्व आत्मा स्वाश्रया। एक अध्यालौकिक एक आध्यात्मिक पुरुष है जो ज्ञान और भक्ति के रूप में, तीन आध्यात्मिक पुरुष है जो वाक्य के रूप में रहता है, एक अध्यात्मिक पुरुष है जो आध्यात्मिक और आध्यात्मिक का भेद करता है, एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होती, लेकिन इन तीनों का जो प्रकाशक है स्वयं प्रकाश अधिष्ठान, उसको जब अपने आत्मा के रूप में जान लेते हैं और उसी जानने वाले स्वयं प्रकाश का नाम आत्मा है, और उसका आश्रय कोई नहीं है, स्वाश्रयाश्रय स्वयं अपने प्रतिष्ठिता। आज गोपाल जी के अवतार थे, आज गोपाल जी के अवतार थे हर्षोल्लास के पर्व पर, उपवास का क्या प्रार्थ्य है, प्रार्थना है कि आपके घर में कोई महात्मा आने वाले हो या कोई बड़े सज्जन आने वाले हो, सब पुरुष उनको आप अपने घर में निमंत्रित करें कि आओ और आने की सूचना हो जाए, और आप उनके आने से पहले ही खा पी लें, कुछ इसका डर की बात है।
प्रकार की बात है कि हमारे घर में भले आसान हो या न हो और हम आप जी के पेट पर हाथ चलाते हुए हुए और उसके सामने जाके खड़े हो जाए। अरे भाई उसकी इंतजार में उसकी इंतजार में कुछ शिष्टाचार कुछ आतिथ्य का पालन तो करना चाहिए ना। तो देखो भगवान कोई तो मुंबई में रहते हैं ना जनरल तो वहां के सबकों की आदत कर देते हैं। किसी बस स्टैंड पर भगवान को कह दे कि आप यहाँ से मिलना है तो लड़कियां जो है ना अपने यारों को बुलाती हैं बस स्टैंड पर पार्क में बुलाती हैं होटल में बुलाते हैं कि वहां आकर तुम मुझसे मिलना मुसाफिर खाने में हमारी समाज कोई कुछ नहीं रहेगा किसी को सही करना। ये जो भगवान है उनको आप क्या पार्क में बुलाना चाहते हैं बस स्टैंड पर बुलाना चाहते हैं मुसाफिर खाने में बुला रहे हैं भगवान को कि वहां आना आपसे नहीं कोई मेरे भाई उनके लिए एक कमरा अपने ऐसा साफ करके रखो ऐसा सीखना है ऐसा साफ सुथरा ऐसा बढ़िया जिसमें तुम और वे दोनों एकांत में मिल सके। तो आज खाने पीने की फिक्र छोड़ करके अपने हृदय को इतना पवित्र रखो कि एकांत मन पहले तो प्रतीक्षा करो। हमने ये देखा है ना हमको सूचना थी कि अमुक दिन अमुक समय पर हम तुम्हारे यहाँ में किसी मित्र नहीं कर हम महाराज उनको दरवाजे पर बाहर निकल के बैठ गए और सड़क बड़ी दूर दूर तक एक दिन तक चल गई। अब कोई दिखे सड़क पर तो मालूम पड़े कि वो भी आ रहा है और पास आ रहे तो मालूम पड़ रहा इंतजार करते करते जब दो बार हो गई तो आखिर में वो भी आ गया। तो फिर तुम जगत के परमेश्वर को अपने घर में बुलाना चाहते हो थोड़ी प्रतीक्षा तो करो स्नान करो संध्या वंदन करो गायत्री का जप करो भगवान के नाम का उच्चारण करो इष्ट मंत्र का जप करो अपने मन को एकाग्र करो। आज आज नित्य नंदन श्याम सुंदर आज हमारे घर में पधारे पधारने वाले हैं ये सोच के उल्लास हो तुम्हारे रोमांच हो तुम्हारा रोम रोम खिलने लगे तुम्हारा रक्त दौड़ने लगे और परम आनंद में भर के प्रतीक्षा करो आशा आशा रखो और प्रतीक्षा करो मिलेगा आशा बंदा समुत्कंठा अपने दिल में आशा रखो कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईद को हो सकती है सबरी को हो सकती है गणिका को हो सकती है अजामिल को हो सकती है आप अपने को दीन हीन न समझें आपकी अंतरात्मा के रूप में भगवान आपके सामने बैठे हैं। ये जो कूड़ा करकट भर रखा है ना इसको जरा हटा एक आत्मा के पास ले गया उसने कहा महाराज हम किसकी पूजा करें तो बोले शिव की पूजा करें शिव जी की पूजा कहाँ करें बोले देखो वो जंगल में एक मंदिर है उसमें चले जाओ शिव जी की पूजा करो। अब वो गया महाराज तो वहां पर कबूतरों ने बीज कर रखा था चिड़ियों ने घोंसले लगा रखे थे इतने खर पतवार गिरे हुए थे कि शंकर जी के लिंग का पता ही नहीं चला कि कहाँ है। वो तो लौट आया महाराज वो तो बड़ा गंदा है वहां तो कहीं शिव दिखते नहीं है तो बोले कि जाकर पहले मंदिर की सफाई कर वो खर पतवार उठा के फेंक जो कबूतर के बीच है उनको धो के मंदिर को साफ कर देख वहां शिव को बुलाना नहीं है वहां तो शिव पहले से ही मौजूद है। ऐसे बाबा ये हृदय जो है ये तुम्हारा मंदिर है भगवान का मंदिर है तुम्हारा हृदय। हमसे भगवान ने कहा हमसे धर्म ने कहा तुम यज्ञशाला में आए और हमारा दर्शन कर रहे
भूत। हम लोग घर के तालाब में रहते रहते धुआं खाते खाते ऊब गए, ओरक गए, हमारी शकल पूरा बिगड़ गई। तुम हमको घर के तालाब में से निकालो, अब हम घर में चलना चाहते हैं, रहेंगे घर में, दुकान में रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, लोगों के हृदय में रहेंगे, तब तो हम जिंदा रहेंगे। और अगर हमको जगह ताला में ही बंद करके रखोगे तो हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। उनसे भगवान ने कहा, और रात को ताला में बंद कर देते हैं पुजारी को, दिया जला देते, उसका धुआं निकलता है, धूप बत्ती जला देते, अंगीठी जला देते हैं रात को, और किवाड़ी बंद कर देते हैं। और देखो अपनी आंख से देख लो, बीच मेरी ओर करके और मुंह करते हैं यात्रियों की ओर, जो पैसे वाले हैं उनकी ओर ज्यादा, जो औरतें आती हैं सुंदर उनकी ओर देखते हैं, हमारी ओर तो पीछ करके खड़े रहते हैं, अपान वायु सोचते हैं, हमको निकालो मंदिर से, हम जन जन में रहेंगे, हम एक एक के हृदय में रहेंगे, हम सड़क पर रहेंगे, हम गांव में रहेंगे, हम घर में रहेंगे। वेदांत ने हमसे कहा, ये महाराज झोपड़ी में रख के पहाड़ियों ने जंगलों जंगलियों ने जंगल और पहाड़ में रहने वाले झोपड़ी वेदांतियों ने सुधीर वेदांतियों ने हमको भूखा रखा, हमको ले चलो गांव में, अब हम घर घर में रहेंगे, जंजल में रहेंगे, और नारायण वहां परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में हम प्रकाशित होंगे, उल्लसित होंगे, विलाप करेंगे। अब हम कुटीर वेदांत में चुपचाप शांत बैठने वाले नहीं है, शांत रहते रहते बहुत दिन हो गया, अब थोड़ा विक्षेप जी आप विक्षेप में रहेंगे, बोले हमारे लिए समाधि और विक्षेप का कोई भेद नहीं है, हमारे लिए कुटीर और शहर का कोई भेद नहीं है, क्योंकि सत्य का अधिष्ठान स्वयं प्रकाश में है। तो नारायण तो आज तो भगवान तुम्हारी आंख में आ रहे हैं हो देखना, तुम्हारी दांत में आ रहे हैं सूंघना, तुम्हारी त्वचा का स्पर्श करने के लिए आ रहे हैं, तुमको अपने हृदय से लगाने के लिए आ रहे हैं, बांसुरी बजाने के लिए आ रहे हैं, नूपुर रंग बजा के नाचने के लिए आ रहे हैं। ऐसे नहीं देखोगे उनको तो दो चार चपक लगा के भी तुमको अपनी ओर खींचने के लिए आ रहे हैं। आज के भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम कृपालु तुम्हारी ओर से नहीं अपनी ओर से तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। आज जैसा हर्षोल्लास और कम मनेगा। ओम।